वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आज जो है 24 अक्टूबर है 2022 और दीपावली का शुभ दिन है आज, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और ये त्यौहार आप सभी के लिए जो है बहुत सारी खुशहाली लेकर के आए और आप खूब दिए जलाएं और खूब अच्छे से है ना हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं। सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढोक और जो मेरे से छोटे हैं उन सभी को प्यार। और दियों का महोत्सव है, जगमगाहट का महोत्सव है, लाइट्स का फेस्टिवल है, तो बहुत ही अच्छे से मनाइए। और मैं अभी घर से निकला हूँ, शाम के बज रहे हैं 7:15, पूजा वगैरह होने के बाद में कुछ काम से निकला हूँ और कुछ लोगों को क्या है ढोक वगैरह दे करके आता हूँ अपने दोस्तों के घर पे, बड़े बुजुर्गों को उनको, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि रास्ते में कैसा माहौल रहता है। जयपुर रेलवे जंक्शन के ऊपर तो बढ़िया रोशनी हो रखी है, देखिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजा रखा है। जयपुर मेन जंक्शन जो है ना वो अभी मेरे सामने चल रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ट्रैफिक का हाल पूछें तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है और मुझे लगने वाला था कि यार मैं फंसने वाला हूँ ट्रैफिक में, लेकिन अभी तक बहुत ही स्मूथ गोइंग है। अभी घर से निकले हुए मुश्किल से 500 मीटर हुए हैं, अभी तक स्मूथ गोइंग चल रहा है। दैट डजंट मीन कि यार आगे भी स्मूथ गोइंग ही चलेगा, क्योंकि घर से अभी मुश्किल से 500-600 मीटर हुए हैं निकले हुए, तो आगे का रास्ता देखते हैं। और बाकी यार मेरे को तो चहल पहल आप लोगों को दिखानी है व्लॉग के थ्रू कि जो भी है ना आज रास्ते के अंदर रहती है। ये देखिए राजपूताना शेरेटन ITC ग्रुप का बहुत ही बढ़िया सजाया, लाइट वगैरह लगी हुई है। मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि, मैं यहाँ से होते हुए जा रहा हूँ अजमेर रोड की तरफ से होते हुए, सिविल लाइंस की तरफ से होते हुए। वहाँ पे एक फ्रेंड का घर है, तो पहले वहाँ जा कर के उनके मम्मी पापा को ढोक देंगे, फिर उसके बाद में जो है मैं जाऊँगा मालवीय नगर एक और दोस्त से मिलने के लिए, देन उसके बाद में वापस से आएंगे अपने घर पर। और जो अपने पुराने चड्डी बड्डीज़ हैं जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सभी घर पर आ जाएंगे या फिर हम उनके घर पर जा के मिल करके आएंगे। फ्यूल आप लोगों को दिख ही रहा होगा एम्प्टी पे आ गया है, तो पहले यार फ्यूल डला लें अपन। अपनी भी दिवाली पे छुट्टी थोड़ी होती है, पुलिस वालों की तरह। तो अपनी गाड़ी में अपन ने बढ़िया तेल डलवा लिया है, डीजल डलवाया है 500 रुपये का। कल क्या है गाड़ी है ना सर्विस पे जानी है, तो इस वजह से मैंने अभी 500 रुपये का थोड़ा ही डीजल डलवाया। मैंने कहा सर्विस होकर के वापस आ जाएगी उसके बाद में डलवाएंगे अपन, तो बस अब आगे की तरफ चल दिया हूँ। और बाकी अभी तक बिल्कुल भी ट्रैफिक दिख नहीं रहा है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए क्या सुकून भरी सड़क एकदम त्यौहार के दिन, बढ़िया एकदम। मेरे को लग रहा था कि यार काफ़ी ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। अब इसी का जस्ट वाइस वर्सा है, अगर आप जयपुर शहर की तरफ चल जाएं, सिटी की तरफ चले जाएं, तो भाई साहब आपके मज़े आ जाने हैं, बढ़िया माहौल बन जाना है, 3-4 घंटे आप निकल ही नहीं सकते। रात के 10 बजे 11 बजे भी अगर आप रोशनी देखने जाओगे ना तब भी आपके 3 से 4 घंटे है ना गए, बढ़िया एकदम। हाँ अगर कोई बहुत समझदार आदमी है जैसे कि क्या है जो नॉलेज है जिसको, वैसे सबके सब क्या यार गाड़ी में बैठ करके लोगों को पता होता है यार, आराम से फैमिली वगैरह पैदल पैदल जिनको नहीं चलानी होती तो वो क्या है कि यार गाड़ी साथ साथ मूव करवाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर जवान हैं अपने जैसे लोग हैं तो गाड़ी आप पहले ही कहीं दूर खड़ी कर दीजिए और फिर उसके बाद में जो है ना अपने पैदल पैदल थोड़ा सा देख के आ जाइए और फिर वापस गाड़ी के पास आ जाओ, तो क्या है कि आप 2 घंटे में भी निपट सकते हो। ये देखिए मेन चौराहे का हाल है, ये खाली सा पड़ा हुआ है, हालांकि उधर ट्रैफिक रुका हुआ खड़ा है, लेकिन आप अगर देख पाएंगे कि नॉर्मल वे में इतना ज़्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सामने वाला ट्रैफिक खुला हुआ है, फिर भी क्या है कि इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है। ये अपन सोडाला से चल रहे हैं और गुजर की धड़ी चौराहे की तरफ, तो स्वेज फार्म और श्याम नगर मार्केट ये चल रहा है। ये देखिए बढ़िया बिल्डिंगों के ऊपर है ना रौनक हो रखी है लाइटों की, अच्छे से लोग हैं ना बढ़िया सजाते हैं, पूरा का पूरा मार्केट जगमग हुआ हुआ है। लेकिन जितना कि आप लोग शायद ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा रौनक नहीं है, एक्सपेक्टेड था कि यार दो साल दिवाली अच्छे से नहीं मनाई गई तो फिर मार्केट के अंदर रौनक होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल है ना व्यापारी से पूछ सकते हैं जाकर के, या फिर अगर आप खुद ही है ना थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार मज़ा नहीं आया यार बिल्कुल भी दिवाली पे। यार ये चीज़ें क्या है ना अजीब लगती हैं, इस वजह से मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो जैसा होना चाहिए ना अगर वो वैसा नहीं हो, यार दिवाली तो एकमात्र पर्व आता है जब है ना आदमी ये सोचता है कि नहीं यार मैं बढ़िया से अपना कमाऊँगा, अच्छे से खूब बढ़िया है ना मेरा धंधा होगा, लक्ष्मी जी की है ना कृपा बरसेगी मेरे ऊपर। लेकिन अगर दिवाली के ऊपर ही आदमी पहले ही है ना 2-3 साल से उसकी बैंड बजी पड़ी हो,
कि कोरोना की वजह से है ना उसके पास ग्राहक ही नहीं रही हो, या उनकी दुकानें या उनके धंधे बंद रहे हों उस समय, और फिर वो उम्मीद जगा के बैठे कि इस साल है ना ग्राहक बहुत अच्छे से रहेंगे, दिवाली पे है ना खूब बढ़िया उसके घर में है ना मतलब लक्ष्मी जी की कृपा होगी, लेकिन अगर ग्राहक ही नहीं हो और सूना सपट पड़ा रहे तो यार बहुत ही बुरा लगता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी भी मार्केट पूरा सून सपट है, और ऐसा नहीं आज दिवाली है इस वजह से कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो नहीं, मैंने कल परसों भी देखा है कोई खास ग्राहक ही नहीं थी। ये अपने अपन रिद्धि सिद्धि चौराहा क्रॉस करते हुए ये देखिए पूरा रिद्धि सिद्धि का मार्केट, काफी सारी शॉप्स वगैरह बंद पड़ी हैं जिनका आज कुछ काम नहीं था खास। अपने क्या है काफी सारे भाई बंधु लोग बड़े भाई साहब वगैरह अच्छी पोस्टों पे भी हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस में भी। और अरे भाई निकल जा, कितने हॉर्न बजा रहा है, अधेड़ उम्र के लोग, अपने पापा की टाइप के उम्र के लोग यार भाई साहब, इनमें बिल्कुल ही पेशेंस नहीं होता। पूरी रोड खाली पड़ी है यार, 80 फीट की रोड पे चल रहा हूँ मैं रिद्धि सिद्धि के पास से, लेकिन भाई साहब इनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। तो क्या है पुलिस वाले भाई लोगों से क्या है कि बातचीत हुई, जो हम उम्र है उनसे भी और बड़े भाई साहब लोगों से भी बातचीत हुई। मैंने कहा यार आप लोग दिवाली पे जो ड्यूटी बजा रहे होते हो, मैंने कहा हम लोगों के लिए आप लोग जो खड़े हो आप लोगों को हैट्स ऑफ है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से क्या व्यवस्था बनी रहती है। मैंने कहा रोड पे कोई नहीं है और फिर भी आप लोग है ना अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, कहीं कोई है ना पेट्रोलिंग पे लगा हुआ है अगर बड़ी पोस्ट पे है तो, छोटी पोस्ट पे हैं तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को सभी को मेरे ब्लॉग के थ्रू बहुत बहुत सैल्यूट, और साथ साथ जो आर्मी वाले अपने भाई हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनको तो यार हमेशा से मेरा है ना प्रणाम रहता ही है। उन सभी के सामने मैं नतमस्तक हमेशा से रहता हूँ और रहूँगा, आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे है ना आराम से बैठे हुए हैं और अपने त्यौहार मना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से है ना शुभ दीपावली, और आप सभी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप हम अपना ध्यान रखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और हम आप ही की वजह से सुरक्षित हैं। नॉर्मल दिलों में ऐसी रोड नहीं रहती यार जैसी आज है, देखिए कितनी ज़्यादा सूनी रोड पड़ी हुई है, ट्रैफिक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जी मैं निकल चुका हूँ अपने है ना दोस्तों के यहाँ पे, घर पे ढोक देके, मतलब दो ही जगह पे जहाँ के लिए मैं दूर निकला था, एक तो रिद्धि सिद्धि गया था और फिर उसके बाद में मालवीय नगर, दोनों ही जगह से फ्री होकर के, और बस अब टोंक रोड पे आ गया हूँ मैं मालवीय नगर से निकल करके, और अब जा रहे हैं अपन अपने घर पे सीधा, और सीधे वहाँ पे जा करके और दोस्त लोग अपने आ जाएंगे या फिर अपन उनके पास में जाएंगे, देखते हैं कौन कैसा फ्री होता है, किसका क्या संपट बैठता है। तो अब घर पे जा करके अपन अपनी दमा चौकड़ी मचाते हैं, मतलब पटाखे वटाखे नहीं फोड़ने वाले यार। अब जो आसपास के जितने भी पुराने दोस्त हैं अपने जो स्कूलमेट्स वगैरह हैं उनके साथ में उनके घरों पे जाएंगे। ये टोंक रोड पे चल रहा हूँ मैं, गोपालपुरा के अंदर हूँ अभी मैं, मतलब गोपालपुरा में हूँ, और ये बढ़िया देखिए बिल्डिंग भी एकदम से क्या है, लाइटें वाइटें क्या है, दिवाली के दिन सब पूरा का पूरा जगमग कर देते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी हो चाहे नॉर्मल बिजनेसमैनों की दुकानें हो, कमर्शियल कुछ भी हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार मार्केट में रौनक उतनी नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड था व्यापारियों के द्वारा कि हाँ भाई दो चार साल जब धंधा नहीं रहा तो इस साल बहुत बढ़िया रहने वाला है ग्राहक ही, लेकिन क्या है कि अभी एक आध घंटे और आप रुकिए, मतलब 9:30 बजे के बाद में क्या है कि थोड़ी बहुत क्या है मतलब 20-25% चहल पहल एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जैसे ही दिवाली का अपने पटाखे वटाखे छोड़ लेंगे या पूजा वूजा से फ्री तो अभी तक हो ही गए होंगे, तो उसके बाद में कई सारे लोग आज के दिन क्या है रोशनी वोशनी देखने निकलते हैं और साथ में बाहर खाना वगैरह भी खाने जाते हैं। तो अभी जो रेस्टोरेंट वगैरह खाली पड़े हैं ना एटलीस्ट उनका तो धंधा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो एकदम बढ़िया फुल चलेंगे आराम से 12-1 बजे तक, मतलब 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा खुलेंगे और उनमें आपको बढ़िया आज के दिन है ना ग्राहक ही देखने को मिल जाएगी। मतलब अभी जो सूने पड़े हुए हैं ना उनमें अभी वापस से थोड़ी सी देर में रौनक आप लोग देख सकते हैं। अमर जवान ज्योति का नज़ारा दिवाली के दिन का बढ़िया, एकदम जगमगाहट हो रही है, देखिए लाइट वाइट शानदार लगा दी गई है, दोनों तरफ फेंस टाइप का कुछ बना दिया है, और विधानसभा रोड है जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। टोंक रोड से सी स्कीम के पास से होके मैं क्रॉस कर रहा था कि भैया का फ़ोन आ गया, एक बड़े भैया का, तो मैं उनसे भी मिलते हुए निकल लिया। मैंने कहा चलो यार इनका घर भी पास में पड़ रहा है तो इनसे अपन मिलते हुए और अंकल आंटी के ढोक देते हुए यहाँ भी निकल लें तो एक काम और हो जाएगा अपना बढ़िया। अंबेडकर सर्किल से होते हुए ये भी आपने जो लाइट देखी अंबेडकर सर्किल की थी, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया अपने हाईकोर्ट, और यहाँ से होते हुए अपन जा रहे हैं सीधे स्टैचू सर्किल की तरफ। दोनों ही तरफ क्या है जगमगाहट एकदम बढ़िया,
बढ़िया लाइटें वाइटें लगा रखी हैं अच्छे। क्या बढ़िया लग रहा है यार स्टैचू सर्किल, देखिए मजा आ गया यार देख के। रुकिए थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। आहा स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया स्टैचू सर्किल देख के। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन के ऊपर है ना बताइएगा मेरे को नीचे कमेंट करके। यार आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब ज़्यादातर लोग हैं जो कि है ना मेरे व्लॉग को, वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। यार क्या इतना ज़्यादा बुरा लगता है क्या यार आप लोगों को यार? हाँ अगर बुरा लगता है तो भी बताइए यार, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा यार, लाइक ज़रूर करा करिए। अगर आप लोग देखते हैं तो लाइक करके जाइए, जिससे कि क्या है मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आपके पास में ऐसे ही रेगुलरली है ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या फिर कहीं भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ भी लाइफस्टाइल ब्लॉग टाइप के मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। फाइनली रीच्ड होम। रात 12:30 बजे का नज़ारा है ये देखिए यार, 12:30 बज गए यार और जस्ट है ना घर पे पहुंचा हूँ, गाड़ी पार्किंग के अंदर लगाई है। बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्योंकि जिन जिन लोगों से मिलना एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी मिल गए। मतलब मैं घर पे आ रहा था शायद 9:15-9:30 बजे समथिंग, लेकिन क्या है सी स्कीम से मतलब टॉप रोड से मैं निकल रहा था तो एक भैया का फोन आया, तो पहले मैं उनके मिल लिया, उनके घर वालों को ढोक दे दिया। फिर मैं घर पहुंचा तो घर पे जो कॉलोनी के आसपास के पुराने फ्रेंड्स थे वो आए हुए थे, जो कि था ही पता मुझे। फिर अभी कॉफी पीने निकल लिए स्टैचू सर्किल पे, तो कॉफी पीने के बाद में क्या है कि वहां जाम इतना ज्यादा लग गया, क्योंकि वहीं से रोड निकल रही है सीधे जयपुर शहर के लिए, तो लोग उधर की तरफ जा रहे होंगे। रात होती है तो मैंने जैसे आपको बताया था लोग निकलने लगते हैं, तो यार जाम वाम में अटक गए, लेकिन आराम से घूमते घामते दोस्तों के साथ में। और अभी 12:30 बजे पान वान खा खू के, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और पेट बहुत ज्यादा है ना, मतलब चूहे कूद रहे हैं यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि पूरी सब्जी बनी हुई होती है घर पे हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन के टाइम पे, तो पूरी आलू की सब्जी खीर वीर वो सब ऊपर मिलेगी बढ़िया टपोरों के साथ में, मिर्ची के जो टपोरे होते हैं बढ़िया। तो बस आज का व्लॉग अगर यहाँ तक आपने देखा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी, यही मेरी है ना माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। ये बढ़िया आ गई है खाने के बाद में घर की बनी हुई बेसन की चक्की।